Immunofluorescence principle, fluorescent dye are conjugated with antibodies. Now these will locate and join with the antigen and resulting complex is fluorescent. फ्लूरोसेंट माने क्या है? फ्लूरोसेंट जब आप हाईवे पे जाते होंगे, आप देखे होंगे ट्रैफिक सिग्नल सब वो रेड कलर में डाला होता है, वो रात को भी दिखता है हमको, क्योंकि उसको फ्लूरोसेंट बोलते हैं, क्योंकि वो सुबह को वो कलर लाइट को ऑब्जर्व करता है, रात को वो एमिट करता है, उसको हम फ्लूरोसेंट बोलते हैं. तो फ्लूर ऐसे वाला डाई किसको अटैच किया है? एंटीबॉडीज को अटैच किया है. अभी ये एंटीबॉडी जाके किसको ढूंढेगा? एंटीजन को ढूंढ के उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और हमको जब वो डाई एमिट करता है लाइट, हमको दिखेगा, हमको मालूम होगा जब हम फ्लूरोस्कोप से देखेंगे. तब ये कहाँ पे यूज होता है? एग्जाम्पल, टू फाइंड आउट रेबीज एंटीजन डिटेक्टेड इन द ब्रेन. अगर रेबीज एंटीजन को ब्रेन में, डॉग का ब्रेन में सब ढूंढना है, तो हम ये इम्यूनोफ्लुरोसेंस यूज करते हैं. इम्यूनोफ्लुरोसेंस दो प्रकार का है, डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है. डायरेक्ट में क्या कर रहे हैं हम? एंटीजन है, हम फ्लूरोसेंट कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी, माने ये एंटीबॉडी है ब्राउन का और ये है फ्लूरोसेंट, तो इसको हम अटैच, एंटीबॉडी को अटैच करके यूज कर रहे हैं. तो ये एंटीबॉडी किसको ढूंढेगा? इसको ढूंढेगा और कॉम्प्लेक्स बना लेगा. तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा? फ्लूरोसेंट हो जाएगा और हमें ये दिख जाएगा फ्लूरोस्कोप में. नेक्स्ट इनडायरेक्ट जाएंगे. अभी इनडायरेक्ट में क्या है? एंटीजन ये है और ये नॉर्मल एंटीबॉडी है, तो ये एंटीबॉडी एंटीजन को ढूंढ के कॉम्प्लेक्स बना लेता है, पर हमें नहीं दिखता. तो अभी हम ये एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ व्हाट? दे आर मेड अप ऑफ ग्लोब्यूलिन्स, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स. तो अगर हम इनको ढूंढना है तो ये ग्लोब्यूलिन के लिए हम एंटी ग्लोब्यूलिन बनाने का, तभी एंटी ग्लोब्यूलिन इसको अटैच होता है. तो अभी हम क्या करते हैं? एक एंटी ग्लोब्यूलिन को लेके उसको फ्लूरोसेंट ऐड करते हैं. फ्लूरोसेंट कॉन्जुगेटेड एंटी ग्लोब्यूलिन लिया है, सीरम लिया है, तो ये एंटी ग्लोब्यूलिन है, उसको जाके हम फ्लूरोसेंट कॉन्जुगेशन किया है. बाद में ये किसको ढूंढता है? ये इसको ढूंढता है. तो ये जब ढूंढ के कॉम्प्लेक्स बना देता है, तब हमको दिख जाता है. ये इम्यूनोफ्लुरोसेंस है. तो कहाँ कर रहे हैं ये? रेबीज फाइंड आउट करने के लिए. नेक्स्ट रेडियो इम्यूनो एसे. इम्यूनो एसे बहुत प्रकार के होते हैं. इम्यूनो एसे यूजुअली क्वांटिटी मेजर करने के लिए होते हैं. रेडियो इम्यूनो एसे माने रेडियो आइसोटोप यूज होता है. एंजाइम इम्यूनो एसे माने एंजाइम यूज होता है. अभी हम रेडियो इम्यूनो एसे देखेंगे. इट इज यूज टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ एंटीजन. तो यहाँ पे ये क्यों यूज हो रहा है? एंटीजन का क्वांटिटी मेजर करने के लिए यूज हो रहा है. हियर रेडियो आइसोटोप्स आर लेबल टू एंटीजन. ये बहुत इम्पोर्टेंट, किसको कौन लेबल हुआ है ये आप याद रखने का. रेडियो आइसोटोप किसको लेबल हुआ है यहाँ पे? एंटीजन. क्या है ये रेडियो आइसोटोप? बहुत सारे ह्यूमन इसमें लैब डायग्नोसिस में भी यूज करते हैं. ये क्या करता है? रेडियो आइसोटोप रेडिएशन एमिट करता है, तब हमको दिख जाता है, इसलिए हमने इसको लेबल किया है. एंटीजन माने लेबल, माने अटैच किया है एंटीजन से. इट इज कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग एसे. हियर कॉम्पिटिशन इज बिटवीन लेबल्ड एंटीजन एंड अनलेबल्ड एंटीजन. माने यहाँ पे कॉम्पिटिशन हो रहा है किसके बीच में? लेबल्ड एंटीजन माने जिसको रेडियो आइसोटोप हमने अटैच किया है, अनलेबल्ड एंटीजन जिसको आइसोटोप अटैच नहीं हुआ है. तो इन दोनों में कॉम्पिटिशन हो रहा है. किसके लिए? एंटीबॉडी के लिए. मैं कौन जाके एंटीबॉडी से ज्वाइन हो जाएगा, इसके लिए कॉम्पिटिशन हो रहा है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एंटीबॉडी है, ये सभी लेबल्ड एंटीजेंस है, ये सभी अनलेबल्ड एंटीजेंस है, हमने डाला है, तब ये जाके इससे कॉम्प्लेक्स बनाया है. कुछ लेबल्ड जाके बनाया है और कुछ अनलेबल्ड एंटीजन भी जाके बनाया है. बाद में हम क्या करते हैं? ये लेफ्ट आउट है, ये लेफ्ट आउट लेबल्ड एंटीजन से और ये लेफ्ट आउट अनलेबल्ड एंटीजन से. तो क्या है? ये एंटीबॉडी है, ये लेबल्ड, ये सभी आपको मालूम हो गया. अभी डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस, अभी हम क्या करेंगे? डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ एंटीजन यूज करेंगे. यहाँ पे कितना कॉन्सेंट्रेशन यूज किया?
पांच सोचो 5 ml यूज किया, नेक्स्ट वाले में 10 ml एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे करके हम डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन यूज करके हम ये काउंट करेंगे, लास्ट में कितना बचा फ्री कितना है करके भी काउंट करके रखते हैं. सो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन इज यूज एंड एज डोज रेस्पॉन्स कर्व इज ड्रॉन. तो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, एक डोज रेस्पॉन्स कर्व ड्रॉ करते हैं. नाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टेस्ट एंटीजन कैन बी काउंटेड बाई रेशियो ऑफ द बाउंड एंड टोटल लेबल्ड एंटीजन. तो अभी हमको कैसे मालूम हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेस्ट एंटीजन, कैसे हम काउंट कर सकते हैं ये बाउंड एंटीजन कितना है और टोटल लेबल्ड एंटीजन कितना है. बाउंड एंटीजन कितना मिला है, बाउंड एंटीजन में जो एंटीबॉडी के साथ बाउंड हुआ है कितना है, और हमने टोटल लेबल्ड एंटीजन कितना यूज किया है. यहाँ पे कितना बाउंड हुआ है कैसे मालूम होगा हमें, क्योंकि यहाँ पे देखो इतना रिमाइनिंग है, इतना रिमाइनिंग है 5 है टोटल हम डाला, इतना रिमाइनिंग है तो बाउंड कितना है 2, तो हमें मालूम हो गया 2 बाउंड है. तो हम क्या करते हैं ये रेशियो लेते हैं, कितना बाउंड एंड टोटल लेबल एंटीजन का रेशियो लेके हम डोज कर्व प्लॉट करते हैं डिफरेंट एंटीजन कॉन्सेंट्रेशंस के साथ. उसके बाद हमें क्वांटिटेटिवली एंटीजन कितना है करके वो कर्व से हमें मालूम हो जाता है.